नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक यूट्यूबर हो, आप भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो, या फिर आपने अभी हाल ही में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर की मात्रा जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना चाहते हो, यानी कि फ्री में अगर आप सब्सक्राइबर प्राप्त करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा लाभदायक भी साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूंगा। अगर आपको अपने YouTube चैनल को प्रमोट कराना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको Instagram का लिंक दिया जा रहा है। Instagram के माध्यम से आप अपनी चैनल की इन्फॉर्मेशन हमारे तक भेज सकते हो, ताकि हम हमारे वीडियोज के अंदर आपके चैनल को प्रमोट कर सके, जिससे आपके वीडियोज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो होता चला जाए। तो हम बात कर रहे थे कि नए क्रिएटर किस प्रकार से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर की मात्रा इंक्रीज करें, किस प्रकार से वो फ्री में सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और मात्र फ्री में आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर अपने चैनल के ऊपर इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि पैसा देकर भी आप सब्सक्राइबर प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो सब्सक्राइबर कब आपके यूट्यूब चैनल को छोड़कर, कब आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो जो फ्री में आपके सब्सक्राइबर आपके चैनल के ऊपर आएंगे, तो वो सब्सक्राइबर आपके चैनल को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे और आपके चैनल के ऊपर बिल्कुल बने रहेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और उसमें थोड़ा सा आपको अपने वीडियोस के अंदर, थोड़ा सा अपने चैनल के अंदर थोड़ा सा बदलाव करना होगा, और वो बदलाव करने के बाद में आप फ्री में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहला जो बदलाव आपको करना है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी वीडियोज आप अपलोड करते हो, उसकी वीडियोज की क्वालिटी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यानी कि जो भी वीडियोज बना रहे हो उसकी क्वालिटी को आपको मेंटेन करके रखना होगा। वीडियो क्वालिटी आपकी बेस्ट रहनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी भी आपको बेस्ट रहनी चाहिए। साथ ही साथ वीडियोस के अंदर जिस भी प्रकार के लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो कोशिश यही कीजिए कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आप अपने वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करिए, जो कि सभी वर्ग के लोगों को इजीली समझ में आ जाए। जो भी ऑडियंस आपके वीडियोस को वॉच कर रही है, आपकी इंफॉर्मेशन से, आपकी बातों से वो सारी की सारी जानकारी समझ सके और समझने के बाद में आपके वीडियोस को वो लाइक भी कर सके और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाए। तो सिंपल लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है और वीडियोस और ऑडियो क्वालिटी को आपको मेंटेन करना है। दूसरे बदलाव की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन को स्ट्रांग रखना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी वीडियोस आप बना रहे हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर बना रहे हो, वीडियोस बनाने से पहले आप उस टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लीजिए, ताकि आप वीडियोस के अंदर बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सको। या फिर इस प्रकार का वीडियोस बनाइए जिस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। अगर आप नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो डेफिनेट आप अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो। साथ ही साथ कोशिश ये भी कर सकते हैं आप कि ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो डेफिनेट आपका वीडियोस वायरल होने के चांसेस 100 से 200 गुना बढ़ जाएंगे और डेफिनेट आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी और जिन ऑडियंस को आपके वीडियोस की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी, वो लाइक भी करते चले जाएंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और तीसरे बदलाव की अगर हम बात करें तो हमारे वीडियोस का टाइटल और टैग निकल के आता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी वीडियोस आप बना रहे हो, कोशिश यही कीजिए कि प्रत्येक वीडियोस का जो टाइटल आप रखो वो सर्चेबल हो, यानी कि बार बार हमारे YouTube के प्लेटफॉर्म पे सर्च किया जाता हो, Google के ऊपर सर्च किया जाता हो, Facebook के ऊपर सर्च किया जाता हो, Instagram के ऊपर सर्च किया जाता हो, या फिर अदर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा सर्च किया जाता हो, या सोशल मीडिया के ऊपर हमारा सर्च किया जाता हो, तो सर्चेबल टाइटल अगर आप रखोगे अपने वीडियोज का, तो डेफिनेट आपका वीडियोज बार बार रैंक करता चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति करता चला जाएगा। तो कोशिश यही कीजिए कि वीडियोस का जो भी टाइटल आप रखो, ऐसा रखो जो कि बार-बार वर्ड हमारा सर्च किया जाता हो, जिससे हमारा वीडियोस रैंक करता चला जाएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारा हैशटैग का जमाना चल रहा है, तो आप अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर कुछ सर्चेबल हैशटैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 4 से 5 हैशटैग आप अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर लगा सकते हो, जो कि आपके वीडियोस को रैंक कराने में आपकी मदद करता है और आपके वीडियोस को टॉप सर्च के अंदर डाल देता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सर्चेबल हैशटैग अगर आप लगाओगे तो डेफिनेट आपका वीडियोस रैंक करता चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी आपके वीडियोस पे। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लोगों को अच्छी लगती चली जाएगी तो लाइक भी करते चले जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और चौथे बदलाव की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान देना प्रत्येक वीडियोस के ऑडियंस रिटेंशन पर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑडियंस रिटेंशन आपको मेंटेन करके चलना है। कोशिश यही कीजिए कि आपका प्रत्येक वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन
40 या 40% से अधिक रहे, अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन प्रत्येक वीडियोस का 40 या 40% से अधिक रहता है तो डेफिनेट आपका वीडियोस ऑटोमेटिकली वायरल होता चला जाएगा, YouTube भी आपके वीडियोस को वायरल करेगा, YouTube भी आपके वीडियोस को सजेस्टेड लिस्ट में डालता चला जाएगा और YouTube भी आपके वीडियोस को रिकमेंड करता चला जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी और ऑडियंस को अगर आपकी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। और पांचवा और अंतिम बदलाव, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है ये, बदलाव अगर आप करना सीख गए तो डेफिनेट आप अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति कर सकते हो। आपको अपना थंबनेल थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना होगा, थोड़ा सा आकर्षक बनाना होगा, थोड़ा सा हटकर बनाना होगा, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना होगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना होगा, यानी कि थंबनेल के ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। जितना समय आप अपने वीडियोस की रिकॉर्डिंग में बनाते हो उससे आधा समय आप अपना थंबनेल बनाने में लगाओगे तो डेफिनेट आपका थंबनेल काफी आकर्षक बनेगा, काफी अट्रैक्टिव बनेगा, प्रोफेशनल बनेगा और आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो कोशिश यही कीजिए कि प्रत्येक वीडियोस का थंबनेल आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए, थोड़ा सा हटकर बनाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को खींचकर वो ला सके और मजबूर कर दे आपके वीडियोस को ओपन करने पे। और जिन ऑडियंस को आपके वीडियोस की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी वो वीडियोस को लाइक भी करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटे छोटे पांच बदलाव कर आप अपने प्रत्येक वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति कर सकते हो और फ्री में काफी ज्यादा सब्सक्राइबर की तादाद भी अपने चैनल के ऊपर इंक्रीज कर सकते हो। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।